भारत मंडपम में एक से बढ़कर एक नामी कलाकारों की समृद्ध कला देखने का अवसर मिल रहा है। सभी को ऐसी ही कला है गुजरात की पिथौरा पेंटिंग, जो मध्य गुजरात में रहने वाले राठवा और भिलाला जैसे कई जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। पिथौरा पेंटिंग के जाने माने कलाकार और पद्मश्री परेश राठवा जी से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में इस वक्त मैं हूँ एक स्टॉल पे, और यह है पिथौरा आर्ट का स्टॉल है। और पिथौरा आर्ट है, ये राठवा ट्राइब है जो छोटा उदयपुर गुजरात के ये लोग रहने वाले हैं, ट्राइब हैं, और ये पीढ़ियों से सदियों से इस आर्ट को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परेश राठवा है सर। परेश राठवा जी, क्या बनाते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? जी ये है गुजरात के जो छोटा उदयपुर जिले में राठवा भील भिलाला नायक जो समाज रहते हैं, जो पहाड़ियों और सपाट जमीन में, उनके देवता है पिठोरा देवता, और उनके नाम पर ये पिठोरा पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध आजकल हो रही है। ये 12,000 साल पुराना एक कला संस्कृति, जब तक हमारे इस विश्व के ऊपर मिली गई धरती के ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी, तो हमारा जो आदिवासी जो समुदाय थे, हमारे जो लोग थे, वो एक दूसरे को संदेशा पहुंचाने के लिए ये चित्र का इस्तेमाल करते थे। तो चित्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेशा पहुंचाते थे, तो वही शैली से वही परंपरा से आज भी हमारे समाज के लोग हमारे विस्तार के अंदर घरों की सुख शांति के लिए, घर में अच्छी मतलब खेत में अच्छी फसल रहे और घर के अंदर सुख शांति रहे, तो इसके लिए मन्नत रखते हैं। और मन्नत के दौरान हमारे जैसे जो लखारा है, जो लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो उसको अंदर हम लोग जो घोड़े के रूप में हमारे देवी देवता को बिठाया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे बगल में ये जैसे पेंटिंग लगाया है, तो ये पिठोरा पेंटिंग जैसे बोला जाता है, तो ये घर की मुख्य दीवार है, इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो जो घोड़े हैं, तो ये घोड़े अलग अलग देवी देवता का रूप है, इसमें पिठोरा देव है, होका गणेश है, जैसे लास्ट में जो ब्लू रंग कलर का घोड़ा है वो होका गणेश मान के उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, डेलीगेट आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए कुछ खास आप बनाएंगे जिसे वो खरीद सके? तो हम लोग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। G20 क्या होता है वो हमको मालूम नहीं था, लेकिन आज ये माननीय मोदी जी के द्वारा हमको मालूम हुआ कि ये G20 समिट ऐसा होता है, तो उसके ऊपर हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो हमारा समाज भी आज खुश है, मैं भी खुश हूँ। और इसके लिए हम लोगों ने एक पेंटिंग, हम लोग अलग अलग पेंटिंग बनाते हैं, अलग अलग मोटिव्स की पेंटिंग बनाते हैं, उनको समझाते हैं, दिखाते हैं। हमारा जो थीम है इस बार G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम, तो वो उसको दर्शाता है, और वन अर्थ वन फैमिली का जो कंसेप्ट है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि अगर हम पर्यावरण के अनुकूल रहें, पर्यावरण के साथ रहें, और तो निश्चित तौर पे अपना भी कल्याण होगा और पशु पक्षी और इस धरती का भी कल्याण होगा, यही संदेश है। कैमरामैन राहुल के साथ नितिन सिंह, DD News, शिल्प बाजार, भारत मंडपम।